वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीरें आपके सामने होंगी और सबसे पहले तस्वीर आपके सामने फ्रांस से आ रही है, जहां फ्रांस में आप देखिए किस तरीके से लीपेन की रैली के बाद बवाल मचा है। सड़क पर दंगों की वजह से आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई है। दंगाई भीड़ के खिलाफ पुलिस के सख्त एक्शन की ये तस्वीर देखिए। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, केन्या में संसद में पेश होने वाले वित्त विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर, जहां प्रस्तावित कर बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। एक्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारी की ये तस्वीर देखिए, जहां कैसे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, पाकिस्तान के स्वात में पर्यटक की पीट पीट कर हत्या की। भीड़ ने शख्स को आग के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन को भी आग के हवाले किया गया। मृतक पर्यटक सियालकोट का रहने वाला। और इस बीच अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पर मॉस्को में तूफान से भारी तबाही मची है। मॉस्को में तूफानी हवाओं से जीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ है, ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। तूफान की वजह से मॉस्को के कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पूर्वी मेक्सिको में भारी बारिश से बड़ी तबाही मची है। तूफान अल्बर्टो की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। तूफान अल्बर्टो अब कमजोर पड़ गया। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, राजस्थान के उदयपुर में NH-48 पर हादसा हुआ है। चलती कार किस तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गई, ये तस्वीरों में नजर आ रहा होगा आपको। हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। साथियों, वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर बर्गर किंग शूटआउट के वीडियो की, जहां 2 शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां दागी। शूटर्स ने 37 गोलियां दागी थी। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और इसी तस्वीर के आधार पर जहां देखिए बर्गर किंग शूटआउट की ये तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे 2 शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां दागी, 37 गोलियां दागी गई। 8वीं वीडियो ब्रेकिंग में अमेरिका के टेक्सस में अल्बर्टो तूफान की तस्वीर, जहां तूफान के बाद टेक्सस के कई इलाकों में बाढ़ और टेक्सस के कई इलाकों में कैसे पानी भर चुका है, इलाका जलमग्न हो चुका है, देखिए। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, इसराइल से है। उत्तरी इसराइल में जहाज का मलबा मिला है। 3,300 साल पुराना जहाज का यह मलबा बताया जा रहा है जो अब मिला है। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां चिली में एक मालगाड़ी और एक परीक्षण ट्रेन में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर भीषण थी। हादसे में 2 रेल कर्मियों की मौत हो गई, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूछताछ के लिए ट्रेन के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। मामला चिली का। अगली तस्वीर आपके सामने रखेंगे, जहां इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सभी बंधकों को छुड़ाने की मांग तेजी पकड़ती हुई, और इसी के मद्देनजर वहां पर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अब केन्या में शहर शहर आगजनी की तस्वीर भी आपके सामने। वित्त विधेयक के खिलाफ जनता में गुस्सा कैसे बढ़ता जा रहा है, देखिए तस्वीर।
गाजा में इसराइल के महाविनाश की तस्वीर अब आपके सामने। हमास की नुखबा यूनिट का कमांडर ढेर। अगली वीडियो ब्रेकिंग गाजा से ही है। गाजा सिटी में हमास के सेंटर पर हमला हुआ है। इजरायली सेना ने आईईडी से धमाका किया है। तस्वीरें आपके सामने है जहां इजरायली हमले में पूरी इमारत जमींदोज हो गई। वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले का वीडियो जारी किया है। लाल सागर में यूनान के जहाज पर हमले का ये वीडियो। तस्वीरों में समुद्र में भीषण धमाके के बाद तबाही की तस्वीरें नजर आ रही। रूस के एयरबोर्न फोर्स का एयर शो में एक्शन। Su-35 फाइटर जेट से डमी स्ट्राइक की प्रैक्टिस कैसे की गई देखिए। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर आपके सामने। ईरान के खिलाफ कनाडा के सख्त एक्शन की तस्वीर जहां ट्रूडो सरकार ने ईरानी फोर्स को घोषित किया आतंकी संगठन। Rocket!